हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग किस तरीके से फॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पहले से ही कुछ फॉन्ट्स फैमिली होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे नए अपडेटेड फॉन्ट्स होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें अपडेट नहीं करती है। तो हम लोग उसे एडिशनली खुद से अपडेट कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, हम लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बता दूं आपको, जैसे कि यह है डी ए फॉन्ट, फिर है फॉन्ट फैब्रिक डॉट कॉम, इसके बाद है फॉन्ट्स डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, अब क्या होता है कि इन वेबसाइट्स में आप जाएंगे तो आपको कुछ प्री क्रिएटेड या प्री अपलोडेड आपको फॉन्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको अगर वो पसंद आता है तो आप उसे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और वो ऑटोमेटिकली आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉन्ट लिस्ट में ऐड हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, ये हमारा फॉन्ट फैब्रिक डॉट कॉम। तो अब ये जो फॉन्ट है आपको पसंद आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप फॉन्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फॉन्ट फैब्रिक डॉट कॉम्स में जाएंगे, स्लैश फॉन्ट में आप ओपन करिए वेबसाइट को। ठीक है, इसी तरीके से आप गूगल फॉन्ट्स में भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला फॉन्ट पसंद आता है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए ये फॉन्ट पसंद आता है, तो इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास हर वेबसाइट्स में एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। गूगल में ऑप्शन आता है डाउनलोड फैमिली का, फॉन्ट फैब्रिक में आप क्लिक करें, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे डाउनलोड फॉर फ्री का। ठीक है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से इस वेबसाइट में आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आपको जो भी पसंद आता है आप उसे सेलेक्ट करें और डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से 101 फॉन्ट्स डॉट कॉम, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप चाहे तो यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड करेंगे, आपको उसे इंस्टॉल करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसे आप चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फॉन्ट इंस्टॉल किया था और मैं यहाँ पे लिखूँगा महागुरुज डॉट कॉम। ठीक है, अब मैंने इसे सेलेक्ट करना है और वो फॉन्ट अप्लाई करना है। सेलेक्ट किया मैंने, क्लिक किया फॉन्ट्स के ऑप्शन पे और ये जो है फॉन्ट आपका दिख रहा है, ये मैंने अप्लाई किया था, समरकंद फॉन्ट। क्लिक करा मैंने और ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज के लिए हमारे वेबसाइट महागुरुज डॉट कॉम पर विजिट करें। थैंक यू।